मैं रंजीत सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। मैं बताना चाहता हूँ कि दिनांक 22 मार्च 2020 को अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया है, जिसका पालन करना हम लोगों का प्रथम कर्तव्य होगा। अर्थात ये जनता कर्फ्यू, जनता के द्वारा जनता पर लगाया गया कर्फ्यू, यानी स्वयं को कर्फ्यू, अपने ऊपर कर्फ्यू लगाना है। और ये किसी के लिए नहीं, ये हम सब की हित के लिए है, ताकि अगर हम लोग अपने ऊपर कर्फ्यू लगाते हैं तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि हम कहीं पे नहीं जाएंगे, किसी से नहीं मिलेंगे। और मात्र 14 घंटा अगर हम अपने ऊपर कर्फ्यू लगा के देखें तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा और कोरोना को भगाने में हम पूरी ताकत के साथ जुट जाएंगे। ये एक प्रयोग है, आप इसे करके देखें, एकदम जबरदस्त सिद्ध होगा, क्योंकि किसी भी वायरस की अवधि 12 घंटों से ज़्यादा नहीं होती। अगर आप 14 घंटा अपने आप को कर्फ्यू के अंदर रखते हैं तो ये 110% सच्चाई है कि कोरोना हमारे पास नहीं आ सकती, अर्थात हम कोरोना से लड़ेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ये पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें हम दौड़ कर नहीं, बिना दौड़े हुए ये लड़ाई जीत सकते हैं। अगर हम रनिंग ना करें, अगर हम एक जगह रहें, सेफ रहें, अपने को सेफ करके रखें, तो हमें ये जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता है और अंततः कोरोना को हारना ही होगा। ये कोरोना जहां आज ये पूरा वैश्विक महामारी के रूप में फैल चुका है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, और इसका इलाज अभी तक हमें नहीं मिला है, कोई इसका शर्तिया इलाज नहीं मिला है। और इसका सबसे बड़ी शर्तिया इलाज ये है कि हम अपने को सेफ रखें, सतर्क रहें, एक दूसरे से ना मिलें, एक मीटर की दूरी, कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें, किसी से हाथ ना मिलाएं, नमस्ते और प्रणाम करें, हमेशा अपने मुंह पे मास्क लगाए रखें, अपने हाथों को सैनिटाइजर से हमेशा अच्छी तरह से धोएं। और हमेशा अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं उपलब्ध है तो आपको साबुन, आपके घर में साबुन होगा, साबुन से अपने हाथों को बहुत ही अच्छे तरीके से धोएं और ऐसे करके धोएं ताकि आपके गजा में भी पूरी जो वायरस कहीं ना छिप जाए। हमेशा धोएं एक दूसरे से, अपने अगर आप किसी व्यक्ति को टच करते हैं तो अपने उनकी आँख, कान और नाक, अपना ना छुएं। ये सबसे, क्योंकि ये वायरस जो होता है सबसे ज़्यादा हमारी नाकों के द्वारा अंदर जाता है, आँखों के पुतली, उसके बाद हमारे नाकों से, अपने कानों से और मुंह से, इसके द्वारा ये वायरस हमारे अंदर जाता है और हमें अधिक बीमार कर देता है। अगर आप अपना पर्सनल हाइजीन यूज करते हैं, एग्जाम्पल हाइजीन का अर्थ होता है आपके पास अपना पर्सनल तौली होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए, अपना पर्सनल मास्क होना चाहिए, अगर आप अपना पर्सनल ऐनक और कंघी भी यूज करते हैं तो ये सबसे बड़ी और बहुत ही सेफ्टी जोन कहा जाएगा इसको। अपने आप को हमेशा सेफ रखना है, ये ही एक सबसे बड़ी सतर्कता है। किसी को बोलते समय अपने मुंह को ढकें, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, और खांसते और छींकते समय अपने मुंह पे तौलिया, रुमाल या मास्क जरूर रखें। या फिर आपको खांसी आ रही है, अगर 10 लोगों के बीच में दूरी पर भी हैं तो आप हमेशा यहाँ से खांसे और या फिर यहाँ पे छींके इस प्रकार से, ताकि ये जो हमारी मसल्स होती हैं यहाँ से हम इसको टच नहीं करते और ये हमारे आँखों तक नहीं पहुँच पाती है, अर्थात हमें सेफ रहना है। और हाँ, मैं इसके लक्षण के बारे में बात करूँ तो ये सेम हमें फ्लू, आप जानते हैं, सर्दी होना, खांसी होना, बुखार होना, ये बदलते मौसम के भी एक सबसे बड़ी लक्षण है। तो इसलिए घबराएं नहीं, सतर्कता से काम लें, स्थिरता से काम लें। और यदि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, यदि 14 दिन बाद भी आपकी परेशानी दूर नहीं होती है, तो अपने नज़दीकी या फैमिली डॉक्टर से, उनके फ़ोन से संपर्क कर अपनी परेशानियाँ को रखें, वो आपको सलाह ज़रूर देंगे और आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं, आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी का लक्षण सेम ब्रोंकाइटिस एलर्जी के जैसे भी होती है, निमोनिया है, आपको एलर्जी है, आपको खांसी, सर्दी, जुखाम है। तो मैं बता दूं, इनके लक्षण में आपके होते हैं तेज़ बुखार, पूरा बदन दर्द, सर दर्द, गले में दर्द। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना ही हुआ है,
क्योंकि ये आमतौर पे मौसम बदलते समय में भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस में भी होता है। लेकिन हाँ, यदि गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके साथ आपको तेज बुखार है, पूरा ये एकदम पूरा बॉडी जल रहा है, तो आप संदिग्ध माना जा सकते हैं, लेकिन ये पूरा फिक्स नहीं होगा कि आपको कोरोना ही है। ये वायरस 4 दिनों तक हमारे गले में रहता है, उसके बाद ये हमारे लंग्स पे असर करता है। तो अगर हम अपनी सतर्कता के साथ अगर गर्म पानी पीना स्टार्ट करें तो इसे हम लंग्स तक पहुंचने ही नहीं देंगे, और गिलोय के साथ, गिलोय जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, जिससे ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात हम कोरोना से जीत सकते हैं। तो इसलिए सतर्क रहना ही बहुत ज़रूरी है। दिनांक 22 मार्च 2020 को जो जनता कर्फ्यू है देश हित में, आप इसका पालन करें, घर से बाहर न जाएं, आप एक जगह रहें और घबराएं नहीं। और हाँ, शाम को आप हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लोगों का मनोबल, यानी तालियां बजाकर या थरिया बजाकर या छीपा बजाकर या फिर घंटी बजाकर आप उनको सहानुभूति दें, ताकि आपका ये जो जनता कर्फ्यू होगा, यह आपकी जीत ही पूरे देश की जीत होगी। हमें किसी भी हाल में पहलवानी नहीं दिखानी, पहलवानी यानी कि हमारी ये सोच गलत होगी कि हमें कुछ नहीं हो सकता है, मरना तो एक दिन है ही नहीं, हम बचेंगे तो हमारी देश बचेगी। अर्थात हमें कोई भी जल्दबाजी और गलत सोच नहीं रखना है, ऐसी सोच को निकाल के फेंक देना है, क्योंकि ये गलती बहुत सारे ईरान, इराक, चीन, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े देशों ने कर लिया है, जिसका परिणाम आज वहाँ पे पूरा महामारी फैल चुकी है। अभी हमारा भारत ठीक है, और इसे अच्छे बनाए रखने में आप सबकी मदद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अर्थात आप देश हित के लिए ये काम अवश्य करें। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अभी तक पूरे विश्व में, आप ये जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ कि पूरे विश्व में वायरस के द्वारा उत्पन्न हुआ रोग का इलाज नहीं मिल पाता है, बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है, और बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न इलाज हमेशा संभव हो जाता है, उसका इलाज आसानी के साथ मिल जाता है। मैं आपको बता दूं, ये वायरस द्वारा उत्पन्न हुआ है, अर्थात इसका इलाज अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग, या आपका कोरोना हो गया, HIV/AIDS हो गया, कैंसर हो गया, ऐसे ऐसे और सारे जो भी रोग हैं, इसका सटीक कोई इलाज नहीं है, अर्थात इसका रोकथाम और सेफ रहना ही सबसे बड़ी इलाज माना जाता है। अर्थात आप अपने को सेफ रखें और देश हित में आप अपना भागीदारी जरूर बनाएं। पारसार टाकीज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप तक पहुंचे हमारा पहला।